तो दोस्तों, अगर आपके स्प्लिट एसी ने चलते चलते कूलिंग करना बंद कर दिया है या फिर कूलिंग कम हो गई है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एसी के फिल्टर में बहुत सारी धूल का जमा होना। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि किस तरीके से आप स्प्लिट एसी के फिल्टर्स को एसी से बाहर निकाल कर कैसे उनकी सफाई कर सकते हो। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप ये सीख गए तो आपको फिर कभी जिंदगी में एसी सर्विस सेंटर कॉल नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें सो दैट कि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, ये हमारा वोल्टास का स्प्लिट एसी है जिसके फिल्टर्स को हमें क्लीन करना है। सबसे पहले आप पावर प्लग को डिसकनेक्ट कर दें टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक और इलेक्ट्रिकल इंजरी। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 2020 में अगर आप एसी लें तो मेड इन इंडिया लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया है, वोल्टास टाटा प्रोडक्ट। तो चलिए, इस पैनल को अब ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल जगह दी हुई होती है इसको ओपन करने के लिए, और इसी तरीके से आपको राइट साइड में भी एक जगह मिल जाएगी जिससे कि आप इसको ओपन कर सकें। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्टली आपको यहाँ पर भी एक जगह मिल जाती है जिसकी वजह से आप इसको ओपन कर सकते हैं और लिफ्ट कर सकते हैं। तो अपने दोनों हाथों से आप इसको लिफ्ट कर लें। आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन कर लिया है और ये इसके फिल्टर्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं कितना डस्ट इनमें भरा हुआ है। तो ये असली वजह है जिसकी वजह से कूलिंग नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए भी आपको जगह मिल जाएगी, इसको सिर्फ लिफ्ट करना है। इसी तरीके से आप दूसरे फिल्टर को भी ओपन कर लें और जो फ्रंट पैनल है आपका उसको भी आप पूरी तरीके से लिफ्ट कर लें। इस पैनल को अच्छे से लिफ्ट करने के बाद आपको इन फिल्टर्स को निकालना है। इस फिल्टर को आप आसानी से नीचे की तरफ खींच लें और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना सारा डस्ट इसमें भरा हुआ है, ये देखिए पूरा का पूरा आपका जो फिल्टर है वो ब्लॉक हो चुका है, तो हवा कैसे पास होगी। ये जो दूसरा फिल्टर है इसको भी आप निकाल लें। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो फिल्टर्स हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। देखिए कितना गंद इसमें भर चुका है, कितना डस्ट इसमें जमा हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान में रहता हूं और यहाँ पर धूल भरी आंधी आती रहती है और ये सबसे बड़ा कारण है कि एसी में धूल जमा बहुत जल्दी हो जाती है। तो मुझे हर 15 या 20 दिन में इसको साफ करना पड़ता है। और आपका भी एरिया अगर ऐसा ही है जहाँ पर धूल भरी आंधी आती रहती है तो आप इसको हर 15 से 20 दिन में इसको साफ करते रहें। इन दोनों फिल्टर्स को वॉश करने के लिए सबसे पहले आप एक ब्रश ले लें। ब्रश आपका कपड़े धोने वाला ब्रश हो सकता है या फिर आप टूथब्रश ले सकते हैं, लेकिन टूथब्रश अगर आप यूज करते हैं तो उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप एक बड़ा ब्रश ही लें जिससे कि फिल्टर बहुत जल्दी साफ हो जाए। कितना सारा डस्ट जमा हुआ है, धीरे धीरे करके आप सारा डस्ट निकाल दें और जब तक ये फिल्टर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आप इसका डस्ट निकालते रहें। तो चलिए, हमारा फिल्टर साफ हो चुका है। वॉश करने के बाद फिल्टर्स को थोड़ी देर धूप में रख दें। तो चलिए, अब इन फिल्टर्स को वापस से एसी में लगा देते हैं। तो जिस तरीके से आपने इन फिल्टर्स को एसी से निकाला था उसी तरीके से आपको इनको फिक्स करना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रंट लिखा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा आपका ऊपर रहेगा। तो इस फिल्टर को आप अंदर की तरफ पुश करें, इसके लिए अलग से स्पेस दिया हुआ है, स्लॉट बना हुआ है, उस स्लॉट के अंदर आपको इसको डालना है, ठीक है, इंसर्ट करना है, उसके बाद इसको अंदर की तरफ पुश करना है और ये आसानी से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। और मेक श्योर कर लें कि ये पूरी तरीके से आपका यहाँ पर फिक्स हो चुका है। सो इन द सेम मैनर आप दूसरा वाला जो फिल्टर है उसको भी आप फिक्स कर लें और अच्छी तरीके से मेक श्योर कर लें कि ये भी आपका फिक्स हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर ये जो दोनों फिल्टर्स हैं आपके फिक्स हो चुके हैं। तो इसके बाद आपको इस पैनल को बंद करना है और मेक श्योर कर लें कि ये आपका पैनल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आप दोनों तरफ चेक कर लें कि ये दोनों तरफ से बंद हो चुका है।
तो चलिए अब ये पैनल पूरी तरीके से बंद हो चुका है और लास्ट में पावर प्लग को स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना है। सो गाइस फाइनली मेरे एसी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप भी अपने एसी के फिल्टर्स को टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।